Assalamu alaikum guys, I'm Sohail and you are watching me on Musafir Kashmir. I know it's been very long, I'm posting this video on my YouTube and Facebook channel. As you know, it's snowing since yesterday in Jammu and Kashmir, in entire valley. So it is snowing in our village too, and I thought let me capture one or two minutes of my village and show it with you guys. और गाइज आपको पता ही होगा कि कश्मीर में जो विंटर था इस बार वो पूरा ड्राई ही था, एक बहुत लंबी ड्राई स्पेल थी कश्मीर में, और फाइनली चिलाई क्लान के अलविदा होने के बाद अब चिलाई खौरत ने अपना कमाल दिखाया है। कल से पूरे जम्मू कश्मीर में शदीद बर्फबारी हो रही है, बालाई इलाकों में बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई है और हमारे मैदानी इलाके में भी कुछ बर्फबारी हुई है। अपने गांव की बात करें, गांव सोईबुक की बात करें, यहां पे भी 2 से 3 इंच की बर्फबारी हुई है। और इसी सिलसिले में मैंने सोचा है कि आज तो संडे ही है, क्यों ना अपने गांव पे 2-3 मिनट का वीडियो बना के आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा कि ताकि आप लोग भी देख सकते हैं कि हमारे गांव या इलाके में कैसे रहता है विंटर का व्यू। आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आपने मेरी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर यू सब्सक्राइब, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हो मेक श्योर यू लाइक एंड फॉलो। अगर आपको मेरे गांव के बारे में ज़्यादा पता नहीं है तो मैं आपको यही बताऊंगा कि ये जो मेरा गांव है ये डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में आता है, जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट से तकरीबन 7 या 8 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। यह है भाई हमारे गांव का सबसे बड़ा पेड़, उसको चिनार पेड़ बोलते हैं, चिनार ट्री। सी हाउ ब्यूटीफुल इट इज लोकेटेड। ये है भाई अपने गांव की कच्ची गलियां, और ये जो ये गली है ये एक खेत पे जाती है, धान की खेत पे, और मैं कोशिश करूंगा आपको उस खेत का भी व्यू दिखाने की। ये है भाई हमारे गांव के पैडी फील्ड्स का व्यू। अभी मैं पहुंच गया हूं हंजकपुरा साइड के एक पैडी फील्ड में, जहां पे दांग की कल्टीवेशन होती है। ये रोड्स बिल्कुल भी नॉन विजिटेड रोड्स है। आई थिंक आई एम द फर्स्ट वन हु इज विजिटिंग दीज प्लेसेस टूडे। अपना गाँव सोईबुग कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक ऑफ बीट प्लेस ही आप समझो। ये कि ये श्रीनगर एयरपोर्ट से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, बट इसके जो व्यूज़ हैं ना बहुत कमाल के हैं, ख़ासकर विंटर्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आपको पता ही है कि गाँव के इर्द गिर्द ना ज़्यादातर खेत ही रहता है, तो ये वाला साइड जो है इस खेत का साइड, तो इसके पीछे गुलमर्ग की पहाड़ी हैं और इस वाले साइड में दूधपत्री की पहाड़ियां भी हैं। अभी वो पहाड़ियां विजिबल नहीं है क्योंकि अभी बहुत हैवी स्नोफॉल हो रहा है और क्लाउडी है, तो वो पहाड़ियां विजिबल नहीं है। और पैडी फील्ड्स के बीच में से अगर हम जाएंगे तो हम पहुंचेंगे एक इलाके में जिसको हम बोलते हैं मोहल्ला बागसीर सोईबुग, तो वहाँ के नज़र भी बहुत खूबसूरत होते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा आपको वहां के नज़ारे भी दिखाने की। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया है कि वी आर अप्रोचिंग मोहल्ला बागसीर सोईबुग। ये बागसीर के बगल में ही एक एरिया है जो कि हमारे एरिया में काफ़ी डेंस एरिया माना जाता है, यहां पे बहुत डेंस प्लांटेशन है, तो मैंने सोचा हम यहाँ भी आके आपको यहाँ के नज़ारे भी दिखा देंगे। एज यू नो देयर वॉज अ वेरी लॉन्ग ड्राई स्पेल इन कश्मीर एंड दिस स्नोफॉल हैज ब्रॉट यू नो हैप्पीनेस among people, children, बच्चे तो बहुत खुश नज़र आ रहा है। तो अभी तो मॉर्निंग टाइम ही है एक्चुअली, तो अभी सब लोग अंदर ही होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ मैं आज दिन पहुँच जाऊँगा आपको वहाँ वहाँ के नज़ारे दिखा दूँगा। भाई दिस रोड इज सीरियसली अनविजिटेड एंड आई एम द फर्स्ट वन हु इज मार्किंग ऑन दीज रोड्स।
देर आर नो फुट प्रिंट्स एट ऑल, क्योंकि ये जो घना जंगल है, जंगल जैसा है, यहाँ पे अभी कोई डेयर नहीं करेगा यहाँ पे आने का। तो हम आ गए हैं, आपको यहाँ के वीडियोस दिखा रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए अपने घरों में। खैतू और जंगलों के जाते जाते हम पहुंच गए हैं महला बागसियर बस्ती में, और यहां से हम जाएंगे अब मेन रोड, फिर वहां से हम जाएंगे पहले जामिया मस्जिद सोईबुग। गाइज मैं पहुंच गया हूं होकरसर वेटलैंड सोईबुग। ये काफ़ी बड़ा वेटलैंड है, यहां पे माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, विंटर्स में भी सीज़न टू सीज़न चेंज होते रहते हैं। तो ये यहां हमारे गांव से फिर जैनकोट विलेज से कनेक्ट है, और फिर अगर आप कभी श्रीनगर से गुलमर्ग जाते हो तो उस हाईवे के साइड से भी कनेक्टेड है, जिसको हम लावेपुरा बोलते हैं, और एक और गांव से कनेक्टेड है जिसको हम दहरमुना बोलते हैं, फिर एक और गांव से कनेक्टेड है जिसको हम नारबल बड़गांव बोलते हैं। तो ये तकरीबन 1400 हेक्टर्स लैंड यहां पे सिर्फ माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए रखा है। तो भाई होकरसर वेटलैंड से आके हम पहुंच गए हैं दगीतल प्लेग्राउंड दहरमुना। यहाँ पे पास में ये हमारे गांवों से एक और गांव है, छोटा सा गांव है, इसको हम दहरमुना बोलते हैं, और हम पहुंच गए हैं यहाँ पे दगीतल प्लेग्राउंड पे। अब देखिए यहाँ के भी नज़ारे, ये है दगीतल प्लेग्राउंड का नज़ारा, काफ़ी खूबसूरत ग्राउंड है, काफ़ी खूबसूरत सा व्यू है। लेकिन द ओनली प्रॉब्लम, दिस प्ले ग्राउंड नीड्स गवर्नमेंट अटेंशन। हमारा गांव सोईबुग जो है, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा गांव है, और हमने ये पूरा सफ़र पैदल ही तय किया है। तो इसकी रेडियस 5-6 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली होगी, बहुत बड़ा गांव है एरिया वाइज भी, पॉपुलेशन वाइज भी। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं दहरमुना के इस दगीतल प्लेग्राउंड में। ये ग्राउंड भी होकरसर से जुड़ा हुआ है पीछे से।
So guys, I'm going to end this video here. I'm going for a lunch. It's getting very cold and I'm also very tired. So I will go back to my home for the lunch. If you like this video, please give it a big thumbs up. And yaar, thoda sa pyar bhi dikhao. Channel ko support karo. Ye video apne doston ke saath share bhi karo. To agar maine post lunch mein bhi kuch shoot kiya hai, to wo main is video ke end mein dalunga. Tab tak ke liye aap bane rahiye Musafir-e-Kashmir YouTube aur Facebook page pe. Thank you so much. Allah Hafiz.